1560 में आज ही के दिन स्पेन की नौसेना ने त्रिपोली के डिजेब्रा पर कब्जा किया। 1800 में आज ही के दिन मराठा साम्राज्य के जाने माने राजनीतिज्ञ नाना फडणवीस का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हुआ था। नाना फडणवीस पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। 1878 में आज ही के दिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रभाव में आया और अगले ही दिन अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी समाचार पत्र बना। यह अधिनियम भारतीय प्रेस पर कड़े नियंत्रण हेतु बना था और इसके प्रावधान भेदभावपूर्ण थे, जिसमें इंग्लिश और भारतीय भाषाओं के पत्रों में भेदभाव किया गया था। 1884 में आज के दिन अमेरिका ने मानक समय अपनाया। मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है या उस देश के स्वीकृत मानक के लिए स्थानीय माध्य समय होता है। हमारे अपने स्थानों के समय स्थानीय समय कहलाते हैं। इनसे हमारी समय संबंधी स्थानीय आवश्यकता तो पूर्ण हो जाती है, किंतु ये अन्य स्थानों के लिए उपयोगी नहीं होते, इसलिए मानक समय की आवश्यकता पड़ती है। 1921 में आज के दिन मंगोलिया ने चीन से स्वतंत्रता हासिल की थी। आज के दिन 1940 में पंजाब के पूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए साफ तौर पर माइकल ओ डायर को जिम्मेदार माना और लंदन में जाकर गोली मार दी। आज के दिन 1961 में भूस्खलन से सोवियत संघ में 145 लोगों की मौत हुई थी। 1997 में आज के दिन भारत की मशीनरी ऑफ चैरिटी ने मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के रूप में सिस्टर निर्मला का अपने नेता के रूप में चयन किया। खराब सेहत की वजह से मदर टेरेसा संगठन का नेतृत्व तो नहीं करना चाहती थी। उनका निधन 5 सितंबर 1997 को हो गया था। 1963 में आज के दिन इंडोनेशिया और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंध बहाल हुए थे। 1964 में आज ही के दिन तुर्की ने साइप्रस के खिलाफ हमले की धमकी दी थी। 1973 में आज ही के दिन सीरिया में संविधान को अंगीकार किया गया। आज ही के दिन 2012 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के समीप एक तेल टैंकर और एक नौका के बीच टक्कर में 110 लोगों की मौत हुई थी।